वासी जहां मऊगंज से बीजेपी विधायक को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है, प्रदीप पटेल को अस्थायी जेल से रिहा किया गया। रिहा होते ही देवरा महादेवन शिव मंदिर पहुंचे थे विधायक। देवरा महादेवन शिव मंदिर इलाके में लगी हुई थी धारा 163, तो नई गढ़ी रेस्ट हाउस में विधायक को अब रखा गया। प्रदीप पटेल विधायक है मऊगंज से, देवरा महादेवन शिव मंदिर में धारा 163 लगी हुई थी। बीजेपी विधायक मऊगंज से दोबारा से गिरफ्तार किए गए। प्रदीप पटेल को अस्थायी जेल से रिहा किया गया था। रिहा होते ही वो पहुंचे महादेवन शिव मंदिर जहां पर धारा 163 लगी हुई थी। जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों की किताब पढ़े हुए हैं, अंग्रेजों के जमाने में इस तरीके का अत्याचार हुआ। ठीक सर, तो रिहा होते ही देवरा महादेवन शिव मंदिर पहुंचे थे विधायक, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। महादेवन मंदिर में धारा 163 लगी हुई थी। नईगढ़ी रेस्ट हाउस में विधायक को पहले रखा गया था। अब मऊगंज से बीजेपी विधायक को दोबारा से गिरफ्तार किया गया। अभी गिरफ्तारी के बाद वो रिहा हुए ही थे और रिहा होते ही वो शिव मंदिर पहुंचे, तो मऊगंज से बीजेपी विधायक को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदीप पटेल को अस्थायी जेल से रिहा किया गया था और रिहा होते ही वो देवरा महादेवन शिव मंदिर पहुंचे थे। जावेद अंसारी रीवा से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, अभी रिहाई हुई थी और फिर से वो गिरफ्तार हो गए, क्योंकि जहां पर वो गए मंदिर में वहां धारा 163 लगी हुई थी। बिल्कुल, रीवा के सामुदायिक केंद्र में पुलिस ने उनको रखा हुआ था। कल रात को लगभग 8:30 बजे पुलिस ने उनको छोड़ा है। 8:30 के पहले जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उनका कहना था, जैसे ही मुझको छोड़ा जाएगा मैं सीधे देवरा जाऊंगा। पुलिस ने समझाइश देने की कोशिश की लेकिन विधायक प्रदीप पटेल बिल्कुल नहीं माने। वो जैसे ही देवरा पहुंचे, वहां पर मऊगंज कलेक्टर ने धारा 163 लगा रखी है। भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद था। विधायक जी जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, पुलिस ने उनको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया और इस बार मऊगंज के नई गढ़ी के एक रेस्ट हाउस में ले जाके रखा गया, जहां विधायक जी अभी भी मौजूद हैं। जिस तरीके से विधायक जी ने जिद लगा रखी है कि हम हर हालत में अतिक्रमण गिराएंगे, उसको लेकर प्रशासन बेहद परेशान है। हालांकि प्रशासन अपने लेवल पर इस मामले को सुलझाने की भी कोशिश कर रहा, जिसके चलते मुख्यमंत्री के विशेष दूत बनकर यहां पर प्रभारी मंत्री लखन पटेल भी आए थे, लेकिन विधायक प्रदीप पटेल ने उनकी भी एक न सुनी। उनका कहना है, मैं हर हालत में उस अतिक्रमण को गिराऊंगा, जिसको लेकर वहां पर भारी पुलिस बल प्रशासन ने तय कर रखा। बीती रात एडीजी भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी जांच की। सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, वहां पर बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं, मुख्यमंत्री ने पट्टे भी दिए थे। इसका सीधा सा अर्थ है, शिवराज सिंह चौहान ने एक बार कहा था, जो सरकारी जमीन में बसा हुआ उसको हम पट्टे दे, उसके तहत उनको पट्टे भी हैं। जब इस बारे में विधायक प्रदीप पटेल से बात की गई तो उनका कहना था पट्टे दूसरी जगह के लिए दिए, वो अपने हिसाब से उस जमीन की व्याख्या करें। हालांकि जो अब जानकारी एनडीटीवी को मिली है वो एक जानकारी की 22 तारीख जी। तो जावेद हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, अतिक्रमण को लेकर वो डटे हुए हैं विधायक अपनी प्रदीप पटेल। अस्थायी जेल से उन्हें रिहा किया गया था और रिहा होते ही वो देवरा महादेवन शिव मंदिर पहुंचे, जहां पर धारा 163 लगी हुई थी, वहां से उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रिया जावेद हमें जानकारी देने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे।